बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादरीन, एक ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है और वहाँ रुका एक कार वाला शख्स मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान को हसरत भरी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था कि यार ये लड़का कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। 9 से 5 ड्यूटी करता होगा, महीने बाद अपनी तनख्वाह ले लेता होगा, ना मुलाजमों को तनख्वाह देनी पड़ती होगी और ना ही सरमाए के डूब जाने का डर। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ नौजवान नाश्ते की रेड़ी लगाने वाले को हसरत भरी नज़रों से देख कर सोच रहा था, काश मैं ये नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर लूं, फिर चाहे नाश्ता लगाने वाली रेडी ही क्यों ना हो, ना बॉस की बातें सुनना पड़े, ना ही ऑफिस देर पहुंचने का खौफ और ना ही छुट्टी लेने के लिए बॉस की मिन्नतें करना पड़े। अब नाश्ते की रेडी वाला इन दोनों को देखकर सोच रहा था, काश मैं अभी पढ़ लिख गया होता तो आज इन पढ़े लिखे लोगों की तरह दफ्तर में काम कर रहा होता, ना रात देर तक जागकर माल तैयार करना पड़ता, ना सुबह जल्दी उठकर रेडी लगाना पड़ती। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, दूसरों को अपनी नज़र से देखते हैं, ना कि उनको उनकी नज़र से देखते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको बाइज्जत और हलाल रिज़क देने के लिए जो ज़रिया मुंतखब किया है, इसकी कदर करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सब के हामी और नासिर हों। अस्सलामु अलैकुम।